हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको फेसबुक पर है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है रीलोड मेन्यू सो और यहाँ पर आपको कोई स्टोरी वगैरह या फिर कोई पिक्स फोटो पोस्ट कुछ देखने को नहीं मिलता है, ओनली आपको यही देखने को मिल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्रेंड्स अपने मोबाइल में देख लेना है नेटवर्क डाटा ऑन है या ऑफ़ है। अगर फ्रेंड्स ये ऑन ऑफ है तो इसे ऑन करके देख लेना है। एंड आपको सेकंड स्टेप क्या करनी है फ्रेंड्स, एक बार अपने मोबाइल में एरोप्लेन मोड है, जो फ्लाइट मोड है, उसे एक बार ऑन करके ऑफ कर देना है। और इसके बाद है फ्रेंड्स आपको एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके भी ऑन कर लेना है। इसके बाद है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद है फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप प्ले स्टोर ओपन करते हैं आपको सर्च बार में है जो फेसबुक सर्च कर लेना है। फेसबुक सर्च करने के बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको अपडेट बता रहा है फेसबुक सो यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ओपन करके देख लेना है आपको उस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है या नहीं। अगर फिर भी फ्रेंड्स आपको वही प्रॉब्लम देखने को मिलती है बार बार तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपने मोबाइल में है जो फेसबुक ओपन कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप फेसबुक ओपन करते हैं थ्री डॉट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है, लॉग आउट पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी आईडी को लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद है फ्रेंड्स अगेन आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। इतना करने के बाद है फ्रेंड्स आपकी 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।